मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मैं भी खुद में गुम हो जाऊं I tell you मुझको भी लगता है ऐसे It's all about love It's all about love इस कहानी में मुझे तो कोई प्लॉट नहीं लग रहा मुझे तो इस कहानी में कोई कहानी भी नहीं लग रही टाइम ही वेस्ट हुआ है हमारा ये अब्बा को क्या हो गया है यहाँ टहल क्यों रहे हैं मुस्तकीम भाई से बदला लेने की तरकीबें सोच रहे हैं तुम हमसे शादी कर क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है एक चमार लगाऊंगी ना क्या तुम दो महीने के लिए तुर्की जा रहे हो अच्छा तो मतलब मुझे दो महीने के लिए अब्बा के सामने बात संभालनी होगी तो कल तुम्हारे घर वाले मेरा रिश्ता लेने आ रहे हैं ना लेकिन उससे पहले तूने मुझे एक बात बतानी है क्या अरे मकान बेचने पे राजी भी है या नहीं कटो ये ले बेटा ये ले आया क्या है ये वही है वो जो तू भी मुगले आजम से मिली हुई है कीमा है बहुत गर्मी चल रही कौन है भाई आ रहा हूं अबे आ रहा हूं कौन है सुबह सुबह आ गया क्या हो गया ठहर जा कौन है आप जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कौन है आप मुझे पहचाना नहीं जी कौन है आप मैं नहीं जानता आपको धोखेबाज मकार नहीं हर जाई जी मुझे नहीं पहचान रहे हर जाई कमीने अरे तू काहे के लिए गालियां दे रही है मैंने किया क्या अबे पहचान ले मुझे मतलब पूरे मोहल्ले में फजीता कर दूंगी पे आ गई है फजीते पे आ गई है फजीता काहे का क्या क्या फजीता क्या मैंने क्या किया वो वादे हां वो प्यार ने झूठा प्यार ओ मक्कार अरे बिल्कुल बेकार बल्कि बकवास क्या हो गया खातून मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ अच्छा अच्छा तो ये तो खुशी की बात है मुबारक हो आपको बच्चे तो मुझे भी अच्छे लगते हैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी अबे मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ अच्छा अबे क्या हाँ। क्या कह रही है बच्चे मेरे क्या हो गया बहन बहन ऐसा चमाट मारूंगी ना मुंह टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारी बात सुनते मुंह टेढ़ा हो गया मैं निकाई बीवी हूँ तेरी निकाई बीवी है ये कब निकाह हो गया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा मैं क्या टुन था उस वक्त हाँ तो याद ही नहीं आएगा क्यों याद आएगा मैंने तो जब ये कहा था किस उम्र में बच्चे अच्छे नहीं लगते याद करो तुमने क्या कहा था या? कि नहीं मुझे एक बेटा चाहिए मेरी सिर्फ एक ही बेटी है कौन है अब्बा बेटा कोई बच्चा आया है नहीं कोई औरत आई है बच्चा कोई खातून आई है खातून अब औरत क्या रहा अब मैं तुझे औरत नजर आ रही अरे कुर्ता फट जाएगा तुम बीवी मानना मुझे अगर तूने मुझे बीवी नहीं समझा ना तो मैं पूरे मोहल्ले में फजीते कर दूंगी झगड़े की आवाज आ रही है काय के लिए फजीते फजीते पे उतर आई हो क्यों करोगी फजीता क्या हो गया देख मैं कह रही हूँ शराफत से मुझे बीवी मान अगर तूने मुझे बीवी नहीं मारा ना तो पूरे मोहल्ले में शोर मचा मचा के कहूंगी कि मैं इसकी बीवी हूँ मैं इसकी बीवी हूँ आहिस्ता बोलो शोर तो ना मचाओ क्या हुआ अब्बा बेटा को बच्चा आया कह रहा मैं तुम्हारी माँ हूँ नहीं कोई वो ये कोई वो खातून आई है पता नहीं क्या कर रही तुम कट्टो हो ना हाँ ये कट्टो है बेटा तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है मेरा तो कोई छोटा भाई नहीं है वो कहाँ से आ रहा है यही तुम्हारे अब्बा कह रहे थे इसीलिए तो इसने निकाह किया है हाँ अब छोटा भाई आने वाला है तुम्हारा ये बेटा ये अरे क्या भाभी पहले तो तुम खुद ही कह रही थी कि अनारकली से शादी कर लो अनारकली से शादी कर लो
और अब जब मैं तुम्हें रिश्ता लेकर जाने की बात कर रहा हूँ तो तुम नखरे दिखा रही हो। अरे नखरे थोड़ी ना दिखा रही हूँ, ऐसे थोड़ी लेके जाते किसी के घर रिश्ता। पहले लड़की वाले आते हैं लड़की के घर, लड़की वाले जाते हैं लड़के के घर, तब कहीं जाके तय होता है रिश्ता। तो इसमें क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? अरे तूने बोला और सर झाड़ मुंह पाड़ हम चलेगा किसी के घर रिश्ता लेके, वो भी खाली हाथ। तो पर्स लेकर चली जाओ। अरे ओ अक्ल के अंधे, खाली हाथ से मुराद फल फ्रूट मिठाइयां ये चीजें होती हैं। और जब किसी लड़की के घर जाएंगे ना तो उसके हाथ में 500,000 रुपए रखे जाएंगे, वो भी हर मर्तबा। अरे भाभी ये सब फजूल खर्ची और ढकोसलेबाजी है, इस सब की क्या जरूरत है? ये फजूल खर्चे ढकोसलेबाजी नहीं, रस्में हैं रस्में। जब वो तुझे देखने आएंगे ना वो भी ये चीजें लेकर आएंगे। तो उनको भी मना कर दो। हैं? क्यों मना कर दूं? भाई बात साफ है, मेरे हाथ पे 10,000 रख, तब लेके जाऊंगी रिश्ता। 10,000? 10,000 कहाँ से लेके आऊं अब मैं? 18-19 साल के लौंडों की तरह मेरी गली के फेरे लगाता रहा, पर्चे बाजी करता रहा, व्हाट्सएप पे मुझे अजीब अजीब से क्लिप भेजता रहा। और एक क्लिप तो ऐसा भेजा जिसमें मैं मरी भी थी, पता है कौन सा? कुछ भी नहीं हुआ मुझे तो, हुआ ना, मेरा दिल तो ऐसे ऐसे करने लगा ना, इसी अदा पे तो मर मिटी में। फिर उसने मुझे पटाया और पटा के मुझे मस्जिद ले गया, मुझसे निकाह किया। और जब मैंने इसे ये बताया कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो ये भाग आया। तो अल्लाह का वास्ता है खातून, अब तो तुम्हारी माँ बनने वाली उम्र भी नहीं है। अच्छा ये क्या कह दिया, क्या मैं यहाँ झूठ बोल रही हूँ? झूठ बोल रही हूँ मैं? बोल नहीं अब्बा, वैसे तो तुम पिछले दिनों रातों को गायब रहते थे, कहते थे कि मुझे दुकान लगानी है, पैसों का बंदोबस्त कर रहा, तो क्या इधर थे पैसे? हाँ दुकान पे ही पैसा लग रहा था, ये दुकान सजाई है नहीं सजाई। अरे बावली हो रही है, बावली हो रही है, मत कर शोर, मोहल्ले वाले सुन रहे होंगे, खुदा का वास्ता। अभी तो मैंने शोर किया नहीं है, शोर तो आप करूंगी। मोहल्ले वाला एक मिनट अल्लाह का वास्ता है, आहिस्ता बोलो, चीखो नहीं, मोहल्ले वाले वैसे ही कान लगा के हमारी तरफ सोच चलो होते है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। कबूल क्यों नहीं रहे? अरे मैंने कब का, मैंने तो निकाह कबूल नहीं किया। निकाह कबूल नहीं किया? निकाह कबूल नहीं किया तो फिर मौलवी के सामने क्यों कह रहे थे? कबूल है कबूल है कबूल है, किसी के सामने कबूल है कबूल है कबूल है, नहीं किया लगा। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? आहिस्ता बोल, अंदर चल के बात करते आराम से, बाहर गंद होगी, अंदर चल के बात करते। अंदर चल के बात कर रहे थे, मेरी सुनी इसने? लेकिन अब तो मैं चैनल पे जाऊँ, मेरी बात सुन, मैं पूरा जलसा निकालूंगी। अरे चैनल वालों को घर पे बुला लेते हैं, वहाँ चल अंदर चल, सोटी लेके चल। अब्बा मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नहीं बेटा अभी नहीं, अभी जरा मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ ब्लीच लगा के। अम्मा मुझे आपसे बात करनी है। मैं जरा पहले हंडिया चढ़ा लूं, टाइम कम है। कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा, लगता है मुझे कट्टों से ही बात करनी पड़ेगी, वही अम्मा अब्बा को समझा देगी। ओहो फिर वही? क्या फिर वही? पर्चे पर्चे वो सब याद नहीं है तुम्हें? अरे अल्लाह की कसम मैंने कभी पर्चे नहीं लिखे, अरे मैं तो इम्तिहान में पर्चे नहीं लिखता था, सादा कागज घर ले आता था। कौन से पर्चे? लव लेटर जो मार्कर से लिखे हैं तुमने, रंग बरंगी मार्कर से, लाल से बनाए हुए होठ हैं और नीले से बनाया हुआ है दिल, और दिल में है तीर, वो सब भूल गए, कुछ याद नहीं है तुम्हें? अरे खुदा का वास्ता है बस कर दे, अल्लाह की कसम मैंने सारी जिंदगी माल के हिसाब के सिवा कभी कुछ नहीं लिखा, तू समझती क्यों नहीं? झूठ बोल रही हूँ मैं, झूठ बोल रही हूँ। हाँ अभी बुला दिया मोहल्ले वालों को, पकड़ इसको, बाहर जाके फिर जलसा करेगी। शुक्र है इसको धर्मों का नहीं पता। आ जाओ बहन। नहीं कौन हूँ मैं तुम्हारी? कौन हूँ मैं तुम्हारी? तू बहन है मेरी। अच्छा क्या कर रही है ये? अच्छा 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 हाँ 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 जानू, बैठो तो सही, बैठो तो सही, पकड़। अगर नहीं माने मैं जा रही हूँ। नहीं भाई नहीं, भाई नहीं, गली में नहीं है ऐसा हंगामा करना, यहाँ बैठ।
पूरी घर पे है का? नहीं, भूरी बाजी तो अभी ऑफिस से नहीं आई। आप कौन? भूरी ठीक ही कवे है, फोन करके आया कर, वरना आना बेकार हो जाए। ये भूरी को दे दीजिएगा। ठीक है, आप कौन है? कहना मंजिला आया था। मंजिला, आप उस दिन भी आए थे ना भूरी बाजी से मिलने? मैं जुगनू फलूदे वाले को जाने। जुगनू फलूदा? कहाँ सुना था ये नाम? मैं जुगनू फलूदे वाले का छोटा भाई हूँ। छन्नो पप्पा को जाने? आप सुल्तान के भाई हैं? डरता हूँ। हाँ जुगनू बोल। अबे एक तो मंजले ने दिमाग खराब करके रखा है, ऊपर से ये सुल्तान मगज खा रहा है। सल्लू, वो क्यों मगज खा रहे? अबे बोल रहा है कि तारा भाभी बड़ा टफ टाइम दे रही है, क्या हो गया तुझे? अच्छा वो बोल रहा है तुम और जुगनू भाई अनारकली के घर रिश्ता लेकर जाओ। अबे तू राजी है ना अनारकली के संग सल्लू की शादी को? राजी क्यों नहीं हूँ, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि अनारकली की शादी सुल्तान से हो जाए। मुझे पता है अनारकली अपनी आड़ी है, जो वो पहले दिन आई थी ना उसने फुप्पो की वो तबीयत साफ की थी कि दिल खुश हो गया था। अरे फिर तो ये शादी बड़ी जल्दी हो जानी चाहिए। तो और क्या, मैं तो चाहती हूँ कि ये शादी जल्दी हो। मुझे पता है अनारकली मुझसे कहीं ज्यादा तेज है, जब वो पहले दिन आई थी ना उसी दिन उसकी और फुप्पो की अनबन हो गई थी। तो अब रिश्ता ले जाने को मना क्यों कर रही है तू भाई? अरे मना नहीं कर रही, इस मामले में सुल्तान की दुखती रख हाथ में आ गई है और सोच रही हूँ मौके से फायदा ही उठा लूँ। अबे क्या फायदा? मैंने सल्लू से 10,000 रुपए का मुतालबा किया है, पूरे बहुत तो रस्मों पर लग जाएंगे और बाकी हमारी जेब में। और अगर अनारकली की शादी कहीं और हो गई तो? अरे कहीं नहीं होगी उसकी शादी, पसंद करती हूँ अपने सल्लू को और तुझे पता है सल्लू भी उसके पीछे लगा हुआ है, मतलब निकालने को ना वो 10,000 रुपए भी देगा। और अगर इस रिश्ते में 5-6 हजार हमारी जेब में आ जाए तो क्या बुरा है? अबे हर मामला औरत बन के सोचने वाला नहीं होता, तो 5-6 हजार रुपए मुझसे ले लीजियो। चल ठीक है, चल कल वाल चलते हैं उसका रिश्ता लेकर। चल चल। ज़हन पर जोर डालो। तू मेरे ज़हन पे ब्लॉक रख दे, उसके ऊपर बिल्डिंग बना दे। जब नहीं समझ आ रहा तो मैं क्या करूँ? अब्बा ज़हन पर जोर डालो कि कहीं कोई तुम्हारा जुड़वा भाई तो नहीं था कहीं पर? अगर जुड़वा भाई होता तब भी ये हरकत ना करता, और अगर कर भी दी है तो कम से कम मुझे पता होता कि हाँ भाई। लेकिन अब यकीन क्यों नहीं कर रही मेरा बेटा, मैं अपने माँ बाप का अकलौता हूँ। अच्छा अपने माँ बाप के अकलौते हो तो मैं झूठ बोल रही हूँ? तेरा नाम मुस्तकीम नहीं है? है। तेरा नाम फरजाना नहीं है? है। है और प्यार से मुझे कट्टो भी बोलते हैं। ये भी बताए मुझे कि तुझे कट्टो बोलते हैं और तेरा अफेयर चल रहा है हम आयु सही से पहुंची हूँ ना मैं सही पते पर? इसको तो पकड़ के मार ही दो जान से, ये तो पता नहीं क्या क्या इसको पता है, तो और क्या क्या पता तुझे? बताओ, बुलाओ मोहल्ले वाले को। ये फिर बाहर निकल लगा सोच रही इसको मैं कैरी छोड़ दी मुझे जाने दे। बीवी मान रहे नहीं? आंटी आंटी चल ले आंटी अंदर चल लो। बिल्कुल मानते हैं मैं चाहूं। चुड़ैल ना बन बीवी बन, बैठ जा। ये कहां से पकड़ लिया अब्बा? देख अब भी मान ले, अब भी मान ले मैं कह रही हूँ, वरना इससे बड़ा फजीदा कर दूंगी मैं मोहल्ले में। देख उंगली नहीं मान लिया, उंगली उठी जी। अच्छा प्यार से बात कर मुझसे, प्यार से बात कर। जोड़ों में कितना दर्द है भाई, ये बढ़ावा बहुत बुरी चीज है। अब अगर मैं ये अपाहज होने का नाटक ना करूं ये होकर जरूरत तो मुझसे घर के काम कराए, बारियों पे काम लगवाए, भतीज बहू जो है
छोड़ो भतुई बहू, क्या आजकल तो सगी बहुएं भी बूढ़ी सासों से बर्तन धुलवाती हैं, पोछे लगवाती हैं। है लविया, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, जोड़ों का दर्द मेरा ना हटा दे। मैंने झूठ बोला है ना बाहर होने का, और तुम्हारी होने का भी मैंने झूठ बोला है, मुझे माफ कर दे। मेरे गुनाह माफ कर दे, बड़ी गुनाहगार हूँ। आए आए, तेरा शुक्र है, शुक्र है मैं तेरा, मंजिले को तूने वापस लौटा दिया। माफ कर दे मुझे, तेरा शुक्र करते हैं। मेरी प्यारी फुफो, एक खुशखबरी बतानी है तुम्हें। क्या? सल्लू ने ना अनारकली से रिश्ते के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मिश्री, तो तेरा ही किया जा रहा है। लो, मेरा क्या किया धारा? मैंने तो तुम्हें पहले अलर्ट किया था, ये रिश्ता मैं करा के दम लूंगी। जानती नहीं है तू मुझे, तारा छन्नो नाम है मेरा, छन्नो। लो, तुम्हें मुझसे बेहतर हो कौन जानेगा, 1.5 साल से भुगत रही हूँ तुम्हें मैं, रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी। बहरहाल ये नारकली की शादी नहीं होने लगी, बस बात खत्म। खत्म क्यों? अभी तो बात शुरू हुई है और दूर तलक जाएगी। देखना लेके जाएंगे रिश्ता में एक दो दिन में अनारकली के घर। रोक सकती हो तो रोक लो, रोक सकती हो तो रोक लो। मैं तो कह रही हूँ तुम कबूल कर लियो अब्बा। अरे कोई बात हो तो कबूल करूँ ना, बिलावा जाओ अब कबूल कर लूँ। निकलूँ बाहर, बचाऊँ छोर। नहीं फिर वही, अब्बा देखो तुम तो सुबह सुबह निकल लेते हो, मैं रह जाती हूँ घर में अकेली, घर कितना सोना सोना हो जाता है। एक बंदा और आ गया। कट्टो, तू पागल तो नहीं हो गई है? मेरी शादी होने वाली है कुछ दिनों के बाद, हिमायूं गया हुआ तुर्की, वहां से वापस आया तो खुद ही बात करेगा। तुम्हें किसने बोली ये बात, तुम्हें कैसे पता? जिसने भी बोली है, जिसने भी बताया है। अच्छा, कोई बात, देखो अगर मेरी शादी हो भी जाती है तो तुम्हारा अकेलापन और इस घर का अकेलापन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। कबूल कर लो, मान जाओ। इस तरह तो ये क्या है, क्या, ये? क्या क्या इस तरह या जिस तरह, सोचो तो सही, एक पली बलाई अम्मा मिल रही है मुझे। अरे कोई ढंग की माँ हो तो उससे शादी कर भी लूँ, ये क्या रीच का बच्चा उठा के लाए हो? ये ऐसे नहीं मानेगा भैया, मैं बुलाती हूँ अभी मोहल्ले वालों को, बल्कि जमा करती हूँ। सुनो, मोहल्ले वालों, लोगों, सुनो, सुन लो बहन, अल्लाह का वास्ता है, मेरी बात सुन लो बहन। हाँ अल्लाह, तू देख रहा है कयामत आ गई, बीवी बना के ये मुझे बहन बोल रहा है। अम्मा, मेरी अम्मा, अंदर घर में चल के आग लगा लेना, वहाँ पे बात कर लेना। करे आग लगाने ला, मैं पूरे मोहल्ले को आग लगा लूंगी अगर तूने नहीं कबूला तो। मेरी बड़ी इज्जत है यहाँ पे, अल्लाह का वास्ता है, अंदर चली चल, कह रहा हूँ तुझसे मैं, खुदा का वास्ता। अजय अजय, अरे क्या हो गया बहन, बताओ क्या बात हो गई बहन। अब तू निकल, चल चल निकल, चल चल चल, उससे पूछने दो मुझे। अरे तुम बताओ बहन क्या बात हुई, मैं बताती हूँ। मेरे ऊपर कयामत गुजर गई, इस आदमी ने ना नाटक रचाया मेरे से, प्यार का नाटक किया, फिर मस्जिद में ले जाकर मेरे से निकाह किया, और जब मैं माँ बनने वाली हुई तो ये मनु शख्स मुझे छोड़ के आ गया। ओ बत्तो बत्तो बत्तो, ओ कितनी बुरी हरकत की है तूने, बिलेज लगा के ला हल वला कुवत इल्ला बिल्लाह। ये कितने की तैयार कितनी, ओए तू आया जल्दी पे तेल छिड़कने के लिए, ये सब बेकार झूठ बोल रही है। भाई मेरी बात सुनो, शादी होती है, बीवी का कोई खर्चा पानी होता है? ना खर्चा, ना पानी, ना खैर, ना खैरियत, किस किस्म का शोर है ये? ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, मेरी बहन बात सुन ले। मैं बात सुन लो, घर पे बैठ के जो मैं बात कर रही थी आराम से, जब सुनी थी तूने। अच्छा चलो, तो बहन नहीं कहता तो बहन वाले वाला नहीं कहता, बहन पूरी बात तो सुन ले। नहीं तो बात बा नहीं, तू इसकी कोई नहीं सुनेगा। अरे मोहल्ले वालों, ब्रिज लगा के बात तो सुन लो मेरी, मोहल्ले वालों, अरे मोहल्ले वालों, अरे ब्रिज लगा के। अबे भोपू ला दूं क्या? नहीं बे, मेरी आवाज बाबा। अबे क्या हो गया मुझे तो बताओ। ये पूछो क्या नहीं हुआ। कलीम भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसने मुस्तकीम ने लौंडो वाली हरकत की, लौंडो वाली। क्या किया? अरे उससे प्यार का नाटक रचा के इसने क्या किया, उस बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। इस बच्ची की देखो, उस बच्ची की जिंदगी खराब किया, ब्रिज लगा के देखो। मुस्तकीम भाई, जी भाई, ए अपनी जवान बच्ची के ख्याल करते। हाँ। अगर सब कुछ हो गया था तो
तू ये वक्त क्यों आने दिया? ओ भाई ये देखो कि अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान का बताओ, कितने अरसे से इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, अबे आज तक किसी माँ बहन को आंख उठा कर देखा? आंख उठा कर नहीं देखा, यूं करके देखा, यूं करके। छोड़ो छोड़ो, एक बात है, मुस्तकीम भाई ने भी इश्क किया अपनी उम्र के साथ। लानत तेरी शक्ल पे। ए बहन बहन, मेरी बात सुन, देख तू औरत है ना, औरत तो औरत का दुख जानती है ना, पता है इसने मेरे साथ क्या किया? इसने ना प्यार का नाटक रचाया, मुझे धोखा दिया, फिर मस्जिद में मेरे से निकाह पढ़ाया, जब मैं इस बच्चे की माँ बनने लगी तो ये मुझे छोड़ के आ गया। आए इश्क करना था तो अपनी बेटी की तरह किसी मशहूर औरत से इश्क करता? पापा यकीन करो, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पे यकीन कर लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा क्या होगा? अल्लाह इंसाफ करेगा बहन तुम्हारी। कितनी अच्छी बात, इंसाफ करेगा अल्लाह, मेरा नहीं है। कितनी अच्छी बात, मेरी बात पे कोई यकीन? तुम बातों में कितनी अच्छी, चुप करो। क्या चुप करो, ऐसे बता रही हो जैसे तुमने छक्का मार दिया है। मैं मोहल्ले वालों को जमा करूंगी, आज जलसा निकालूंगी, देख लेना। खामोश। ठीक है, ये जो कुछ था मैं सही कह रहा हूँ, मैंने इससे शादी की है, निकाह किया है। देखा, देखा, मैंने ही किया है, सही बता रहा हूँ। अब ये मेरी बीवी है, मैं लेके जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ पतली गली से निकल लो। तू लेके जा रहे हो? मैं लेके जा रहा हूँ, मेरी बीवी है, किसी का मेरी बीवी है, किसी का बाप की नहीं है। चलो 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 चलो। अरे बाटे, अरे अरे अबे भाई, ओ भाई, अरे कैसे जी बात, अबे यार क्या हो गया? अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं है, 4 लाख का जेवर और 60 गज का घर, शक्ल है तुम्हारी देने की? क्या कुछ तो बताओ शाजी। एक लड़का है, तेरी लड़की को वर्गल आ रहा है, प्यार का झांसा दे रहा है। हैं? सुल्तान की शादी अनारकली से हो गई ना तो मेरा तो हशर हो जाएगा। कैसे रुकवाऊं ये शादी? कल मुई तारा तो मेरी जिद में आकर अनारकली को लाने पर तुली हुई है। ए अल्लाह मियां, काश काश तुम तो ने शाह की सवारी सचमुच में आती होती ना, तो मैं उससे कहकर ये शादी रुकवा देती। तुम तो ने शाह की सवारी? हाँ ना, अरे तुम तो ने शाह ही तो रोकेगा। अल्लाह मियाँ तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, कितनी अच्छी तरकीब डाल दी मेरा दिमाग में है। अब देखती हूँ तारा कल मुई कैसे कराती है तो ये शादी। या अल्लाह, पता नहीं मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। क्या मैं अजाब हूँ? नहीं नहीं, तुम तो हिसाब किताब हो। अच्छा बस बस बस, बहुत झगड़ा कर लिया आप लोगों ने, अब जरा सुकून से सांस लें। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ, अब्बा जब तक तुम मम्मी के पास बैठो। कैसी, किसकी अम्मी? अब्बा मेरी अम्मी है। हाँ मेरी अम्मी, सही है, जब तक तुम यहाँ बैठो और देखो अगर मैसेज वगैरह, देखो कोई जरूरी मैसेज आया हो, क्या पता। वो मैसेज मुझे तो लगता है ऊपर से मेरा मैसेज आ गया है। देखिए कसम खाइए। क्या देख रहे हो? क्या देख रहा हूँ? मैं देख रहा हूँ कि नहीं, ये देख रहा हूँ मैसेज। मैं समझी, मुझे देख रहे पानी। मेरी बात सुन, ये 2-4 हजार का लालच छोड़ दे, चल कल रिश्ता लेके चलते हैं उसका, बहुत पीछे पड़ लिया है मेरे। कौन? सल्लू? हाँ। बचाऊंगा, बचाऊंगा। फूफो पे जरा सवारी आते हैं तो देखियो। मैं आज बचाऊंगा, बचाऊंगा आज मैं।
बचा लूंगा, बचा लूंगा। अबे ओ तुम तने कहाँ लेके जा रहा झंडो बुफो को? रोने की कोशिश मत करना तो आज तेरे मुंह भी ना लगना, आज मैं जिंदगी बचा कर रहूंगा, जा रहा हूं मैं। अबे तेरा तो बेड़ा ही गरक सारा खाना खराब कर दिया, क्या अजाब डाल के रखा है। क्या हो गया? होना क्या है, तुंतने की सवारी आई है और बोल रहा किसी की जिंदगी बचाने जा रहा हूँ। मैं तो तुम्हें हमेशा कहती हूँ कोई तुंतना मुंतना नहीं आता, फ्रॉड करती है तुम्हारी फुप्पो। अबे तू अपने ठंडे दिमाग पर जोर मत दे, तू खाना खा। वो तो खा ही रही हूँ। यस मिस अमरीन, आपसे कोई मिस्टर मंजले मिलने आए हैं। व्हाट मिस्टर मंजले, ये यहाँ क्या करने आ गए? उनसे पूछिए कि वो किस सिलसिले में आए हैं। जी अच्छा, क्यों आए हैं? मैं थारे को क्यों बताऊं, उन्हें बोल मंजरा आया, मंजरा। ओके शहरी, उन्हें अंदर भेज दीजिए। अच्छा मैम, चाहे आप अंदर जा सकते हैं। यार ये पहले भी कचोरियां लेकर आ गया था और सब कितना हंसे थे मुझ पर, अब पता नहीं क्यों बिना बताए ये आ गया। मैं आ गया। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ ले आए। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तड़का लगे अरे को याद ना आवे तारी। पर मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। अरे तूने तो याद किया दोपहर में। मैंने तुम्हें दोपहर में कब याद किए? अरे दोपहर में कचौरियां बेचते वक्त हिचकी लग गई थी मारे को, मैंने तारा नाम लिया तो हिचकी रुक गई, यूं मारे को पता चढ़ा कि तूने याद किया मारे को। उफ, हिचकी मेरे नाम पे रुकी और तुम मिलने चले आए, मगर मैंने तो तुम्हें याद ही नहीं किया। झूठ बोले है ना? मैंने तुम्हें नहीं याद किया, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? बड़े बूढ़े बोल गए हैं, जब लगातार हिचकी आवे और जिसका नाम लेने पे हिचकी रुक जावे, समझो वही याद करे है। अब तू बता, तू झूठ बोल सकती है या बड़े बूढ़े झूठ बोल गए सुसरे? अच्छा ठीक है, आज तो तुम मुझे फोन किए बगैर आ गए, लेकिन दोबारा ऐसे नहीं करना, दोबारा मुझे फोन करके आना है और प्लीज इस हुलिये में मत आना। क्या है मारे हुलिये को, अच्छा खासा तो लग रहे हो। एक मिनट रुको जी। शफकत बाबा, दो कप चाय भेज दीजिए। चाय मंगवाइए तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, पी लूंगा, साथ बिस्कुट भी मंगवा ले। मंजले बिस्कुट क्या होता है? बिस्कुट होता है। अरे बिस्कुट ही होता है, एक तो तुम मास्टरानी बन जाती है फौरन से। क्या करूं मैं इसका? अब याददाश्त वापस आ गई ना तुम्हारी? मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा देखो तू क्या करती क्या। मैंने ना ये एक लेडी डॉक्टर से क्लिनिक में मशवरा किया था, उसने ये कहा है कि डिलीवरी में जो है कम से कम 40,000 रुपए का खर्चा होगा। तो मैंने क्या किया कि 20,000 तो तुम्हें मैंने दिए ही थे, तो अब बाकी 20 का जो है वो मैं हिसाब कर रहा था कि कहाँ से पकड़ूं क्या करूं, बस इस चक्कर के अंदर तेरी तरफ चक्कर नहीं लगा। ओहो अब्बा, जब कुछ सचमुच में किया था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तू चुप कर, ये 20,000 कब दे दिए तुमने मुझे? अरे भाई जब तूने मुझे ये खुशखबरी सुनाई थी ओए वाली, उसी टाइम मैंने खुश होकर मैंने कहा था कि ये ले ये 20,000 रुपए रख ले। टटिया गए हो क्या तुम, दिमाग चल गया तुम्हारा? वही 20,000 रुपए नहीं दिए तुमने मुझे? अच्छा 20,000 नहीं दिए? नहीं दिए। अच्छा तो याद कर के मैंने तुझे 4,00,000 का जेवर दिया था, कड़े और वो चूड़ियां, याद है? वो तो याद होगी ना? सटिया गए हो तुम, कौन से जेवर चढ़ाए थे तुमने मुझे? कमाल कर रही है तू, ये भाई अब तेरी याददाश्त खो गई है। अच्छा चलो चलो, नहीं मांगते भाई, जेवर भी छोड़ दो, 20,000 रुपए भी छोड़ दो, छोड़ दिए कोई मसला नहीं। जो मैंने तुझे 60 गज का मकान खरीद के दिया था वो तो तुझे याद है हाँ?
क्या हो गया है? अंधेरे में तीर चलाने की जरूरत नहीं है। 4 लाख का जेवर और 60 गज का घर, शकल है तुम्हारी देने की? देख शराफत से हाँ कर ले, कबूल कर ले, वरना मैं अपनी पे आ जाऊंगा। मैं बता, तू चुप कर। सारी जिंदगी कमाई मैंने इस खंडर पे लगा दी और ये इनकार किए चली जा रही है। बोल, अगर सच सच नहीं बोलेगी तो फिर मामला पुलिस तलक ही जाएगा। पुलिस? पुलिस, थाना, बिछाना। आए हाय, अब ये कम वक्ती मारी, घर पे हो। अरे आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ना है क्या? अरे छन्नो आपा, तुम चल चल सर, क्या है क्या भाई? ये तो लगता है सवारी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम शाहजी। वालेकुम सलाम शाहजी। आप और हमारे घर? बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह, अंदर आइए ना। अल्लाह, खतरा है, खतरा है। अल्लाह 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 अल्लाह, खतरा है। शाहजी कैसा खतरा, सब खैर तो है ना? मैंने तेरे और तेरी बेटी के सर पे खतरा मंडाता देखा है। हाँ, तू चलो के पास आती जाती है ना, उसकी इज्जत करती है, इसलिए मैं तुझे खतरे से निकाल ले आ गया। शाहजी अंदर तो आइए ना, अंदर आके मुझे सब बताइए। हाँ चलो चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। शाहजी शाहजी, उधर नहीं, शाहजी शाहजी आइए आइए। कहाँ? आपके पीछे, इधर इधर शाहजी। आर्या, तुझे कैसे पार करूं? बोल। पहली बात तो ये कि पुलिस बुलाने की धमकी ना देना मुझे। अच्छा, बहुत जानने वाले पुलिस में मेरे। वो तो शक्ल से लग रहा। चुप करो चुप करो, बहुत झगड़ लिया, बस अब बस करो। तो कहना अपने बाप को पुलिस की धमकी ना दे मुझे, कह दिया ना, बहुत जानने वाले पुलिस में मेरे। ओए अब्बा, सही तो कह रही है, ये घर का मामला है, इसमें पुलिस को लाने की क्या जरूरत है? अभी बाहर इतना बड़ा फजीदा खड़ा किया है, फिर से कोई नया फजीदा आ जाएगा। अच्छा, जहाँ इतना हुआ है वहाँ थोड़ा सा और फजीदा हो जाए, कम से कम मेरी चीजें तो निकलेंगे ना। कौन सी चीजें? हाँ तो जब इसने मोहल्ले वालों को शामिल किया है तो फिर अच्छी बात है। इस बहाने मेरे 4 लाख के जेवरात और 60 गज के मकान निकल आएगा। अबे क्या झूठ पे झूठ बोले चला जा रहा है? कौन से 4 लाख, कौन सा 60 गज का घर? अपा आखिर मामला है क्या? कैसा झूठ पे झूठ बोले जा रहा है ये? इससे पूछ, ये सारी चीजें अगर तेरे पास देने के लिए होती ना तो मुझ जैसी पक्की औरत से शादी नहीं करता, करता किसी जवान खूबसूरत लड़की से शादी। चलो इस बहाने किसी औरत के मुंह से पक्की होने का इकरार तो निकला, और तू पक्की नहीं है, अब तेरे में दरारें पड़ रही हैं, किसी दिन भी अचानक सब कुछ गिर जाएगा। अब्बा बताओ ना, मामला क्या है, कैसे हुई है शादी? बेटा ये एक लंबी दास्तान। एक दफा का जिक्र है कि मैं एक जगह से गुजर रहा था, ये मुझे सड़क पे रोती भी मिली। झूठ बोलो बोलो बोलो, आगे भी सुन रही हूँ मैं। इसने मुझे कहा है कि मेरी जमीन है और जमीनों पे लोग काम करते हैं, वहां से पैसे आते हैं, वहां से पैसे इकट्ठे करने वाला कोई नहीं है, इस वजह से इसने कहा कि शादी कर लो। मैंने, क्योंकि जो मियां होगा मेरा तो वहां से कम पैसे तो बटोर लेगा। फिर अपा आगे क्या हुआ? फिर इसने ये कहा कि मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो मुझसे शादी कर ले और मेरी जमीनों का ख्याल रखे, जमीनों से पैसा ले और फिर अगले किसी कारोबार में लगाए, ऐसा आदमी चाहिए मुझे। बोलो बोलो, खूब झूठ बोलो, दिल भर के सब सुन रही हूँ मैं, आराम से सुन रही हूँ। अब आगे बताओ ना। फिर मैं जमीन उसके नाम कर दूंगी, वो फिर तो इसका शौहर होगा ना। उस वक्त इसने ये शर्त रखी थी, इसने ये शर्त रखी कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो पहले मुझे 2 कमरों का मकान लेकर दे और फिर उसके बाद मैं जमीन उसके हवाले करूंगा। तोबा तोबा तोबा, इस्तग़फ़ार, अल्लाह मुझे माफ कर दे, तोबा तोबा, तेरे से बड़ा झूठा तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। मुझ पे इस्तग़फ़ार पड़ रही है, गायब हो जाऊं, निकलूं सीधा गली में, बुलाऊं फिर सबको, बताऊं? चल भाई, बुला ही ले तू पुलिस को आज, अपने अरमान निकाल ले तू, बुला ले तू, 10-20 पे फोन कर दे, 15 पे फोन कर दे, 40 पे फोन कर दे, मेरी तरफ से 36 पे फोन कर दे, बुला ले।
अच्छा बेटे थाने का नंबर क्या है? अब 15 अब्बा शाजी मुझे ये तो बता दो कि खतरा क्या है? अब तो मैंने छन्नो आपा को 200 रुपए भी दे दिए। ये नौसादा चार ये बता पैसा कितना है तेरे पास? मेरे पास इन 200 रुपए के अलावा एक छोटी कौड़ी नहीं, कसम ले लो। मैं 200 रुपए की बात नहीं कर रहा। रोकड़ा कितना है, जमा जत्था कितना है? हाँ शाजी आजकल के दौर में भला गरीब लोग कहाँ जमा कर सकते हैं? एक फूटी कौड़ी नहीं जमा की आज तक। मकान अपना घर है, अल्लाह का शुक्र है मकान तो अपना है। बस मेरी यही बात है। क्या कुछ तो बताओ शाजी। एक लड़का है तेरी लड़की को वर्क ला रहा है, प्यार का झांसा दे रहा है। हैं? हाँ। उसके दिल में यह बात चल रही है कि वो तेरी लड़की से शादी करेगा, तेरे ये मकान बेच कर सारा पैसा हड़प करेगा और फिर उसको तलाक दे देगा। हाय मैं मर गई। मुझपर नहीं शाजी, अब मैं क्या करूं? जो भी रिश्ता है मना कर देना। लो इस तरह तो मेरी लड़की बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी। हम मर गए क्या जी? मेरा मतलब है जो भी रिश्ता है हमसे पूछ कर मना करना। हाँ मशवरा करके। मशवरा आपसे करना है कि छन्नो आपा से? छन्नो क्या चीज़ है? हम सब ये लो, पहले तो 400 की चौकी तुम्हारी लगवाऊं, फिर तुमसे मशवरा करूं। लड़का तो बाद में पैसे खाएगा, पहले तो तुम ही लूट दोगे मुझे। हाँ डिस्काउंट दिया तेरे को 200 रुपए का। हाँ वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम छनों के साथ अच्छी है। तो क्या चाहती है? मुफ्त बताऊं? तो अच्छा ठीक है मुफ्त बताऊंगा। ठीक है शाजी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए कोई चाय पानी लाऊं? लोहे खाती है क्या? नहीं शाजी। क्यों पूछा? तबीयत खराब करेगी हमारी। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, खोल दरवाजा। अच्छा शाजी अल्लाह तेरी कुदरत है, मौजज़ा ही है, एक अपाहज को टांगे दे दी। जब तूने कुछ किया ही नहीं है तो फिर पुलिस को बुलाने से भाई क्यों डर रही है? इतना बड़ा फजीता हुआ भी मोहल्ले में, घर में जब पुलिस आएगी तो बदनामी नहीं होगी? हाँ तो बदनामी होगी तो मेरी होगी ना। होने दे बदनामी, मेरा फजीता होगा ना। अभी क्या गली में कम फजीता और बदनामी हुई है? अरे काइस दुखियारी पे बहतान पे बहतान लगाए चले जा रहे हो, इल्जाम पे इल्जाम लगाए चले जा रहे हो। कौन सा मैंने 4 लाख का जेवर बताओ, कौन सा 60 गज का घर ले लिया मैंने तुमसे, कौन सी जमीन है तुम्हारे नाम करने को कहा? बोलो बोलो क्यों मेरा दिल दुखा रहे हो? अरे मैं दुखियारी अदालत में झूठी गवाही देती हूँ, प्रॉक्सी करती हूँ मैं। प्रॉक्सी क्या होता है? क्या बताऊँ बेटा तुझे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा जहाँ अपनी माँ के लिए चाय बना के ला, उसके सर में दर्द हो रहा है। अब लड़ते लड़ते तो शाम होने को आई है, खाने का वक्त हो गया है, मैं खाना ही बना देती हूँ। अम्मा आई हुई है, मुर्गी बना देती हूँ, क्या कहती है? ठीक है बाकी कल सुबह बात करेंगे। सही कह रही हो, लड़ लड़के मेरा तो दिमाग खराब हो गया, अब जाके मैं वहीं सोऊंगी जहाँ आजकल रह रही हूँ। नहीं नहीं जाने दो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ले क्यों नहीं, नहीं दूंगा, कैसे नहीं जाने देगा, बाहर निकल के मोहल्ले में शोर मचा दूंगी मैं। हाँ हाँ मोहल्ले में भी निकलो, शोर भी मचाओ, पुलिस को भी बुलाओ, जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। रह जाए ना अम्मा यहीं पर। अरे अनारकली की अम्मा, 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 अरे क्या तूफान मचा आ गया? अनारकली की क्या हुआ? क्या मचा, कोई बिलिश लगा के? तुमने करतूत देखे अपने, सुने तुमने अपने भैया के करतूत? मेरा कौन सा भाई? अरे वो कीमा, कीमा जिसे तुम अपना भाई कहती हो। क्या किया कीमा भाई ने? क्या किया? अरे एक भोली भाली औरत को बहना पुसला के उसने शादी कर ली बिलिच लगा के। कट्टो के अंकल, मतलब मुस्तकीम अंकल। हाय हाय हाय, अरे वो औरत बेचारी ढूंढती ढांढती अब यहाँ पहुंची आके, ऐसा फजीता मचा है भैया मोहल्ले में, ऐसा फजीता मचा है, तब जाके कबूल किया है वो कीमे ने कि हाँ ये गुना मैंने किया है बिलिच लगा के। कबूल
कबूल भी कर लिया हाँ। और घर भी ले गए रख लिया लेकिन मैं बड़ा मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है इस बात पे भाई